कभी कभी नहीं कभी नहीं रे। Oh,
रहे विनती है पल पल चिन चिन रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे नाम रहे रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में मिलता काफ़ी बहुत जन इमोशनल में बहुत जन शॉक हुए कि सोच रहे थे क्या कुछ हुआ, आपको भी काफ़ी देखा, काफ़ी लोगों ने देखा कि आप उस दिन काफ़ी इमोशनल थे, तो कुछ कहना चाहोगे? तो कहना यही चाहूँगा कि यार घर का कोई सदस्य चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है, कोई हालत शायद हमारी है, भाई चला गया तो दुख तो होना ही है, कोरोना भी आएगा, सब चीज़ें साल दो साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ था, उससे पहले 3 साल FIR में थे, 10 साल पूरे थे, और 10 साल कैसा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का, आप समझ सकते हैं, पूरे दिन रात हम लोग साथ रहते थे, 12-12 घंटे हम लोग एक साथ काम करते थे, घर कम था, स्टूडियो ज़्यादा था, शूटिंग ज़्यादा थी, एक एक चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे, खाना साथ खाते थे, पानी साथ पीते थे, चाय साथ पीते थे, एक एक चीज़ पे हम लगे हुए रहते थे, कोई चीज़ अधूरी नहीं थी, कछुती नहीं थी हम दोनों से, और मस्ती करता रहता था एवरी टाइम, वो एक चंचल बच्चे की तरह, उम्र तो उसकी 41-42 साल का हो गया था, लेकिन एक बचपना था, एक बच्चा था जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता था, और वो कुदा के मारता रहता था एवरी टाइम, मैं थका रहता था क्योंकि मेरी उम्र भी उससे ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरे से राय लेता रहता, कई बार मैं डांटता भी था उसको, वो नाराज़ भी होता था, फिर मनाता भी था कि यार ऐसा नहीं, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें जो एक फैमिली में चलती है वो होती थी, वहाँ पर कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्टूडियो है, वहाँ हम शूटिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं जाते, ऐसा लगता था कि अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए हम लोग, तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम दो जिस्म एक जान थे, और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर, जब तक हम शायद जाएंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको भुला पाएंगे, मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़, माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे, जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था, वो गाने वाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था, ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो खुश रहे, दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके, हम जरूर लोड लेते थे उसको, ये तो क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार, मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना, तो स्वीट था, सबका चाहता था, गए तो काफ़ी एक शौक लगा है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम में उनके वीडियोस, फिटनेस के वीडियोस, काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी देते थे, मैं चर्चा भी कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत फिटनेस पे ध्यान, बट सडनली ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फिटनेस पे ध्यान शुरू से देता था, जब मेकअप रूम में घुसते थे तो अपने ऐप्स दिखाता था, वो मैंने कहा यार मेरी ऐप्स तो अलग तरह की है, तेरी अलग तरह की, मुझे कुछ समझ में आती नहीं ये चीज़ें, लेकिन वो बहुत अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, वो था उसमें, और
कोई प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं था उसका, जब भी मौका मिलता था एक्सरसाइज करता था। हाँ, शादी के बाद में बच्चा होने के टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा लेजी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आप यंग अपने उसमें होते हो, तो ये थी इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ टेंशन था का लोड था, मस्त था अपनी ज़िंदगी से, वो सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। अब तो लाइफ में मतलब काम करने का समय आया था उसका, हम लोग संघर्ष हमने साथ किया है। 2004 में मैं आया, 2005 में वो आया, हम लोग मुलाकात करते थे स्ट्रगल डेज में, बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह हम मिलते थे एक दूसरे से, एक दूसरे का जो स्ट्रगल था वो शेयर करते थे, कहाँ का ऑडिशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब तब से उसके साथ मुलाकात थी। हम जो बंधे हैं रिश्ते के अंदर, वो तो हम भाभी जी में बंधे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो इतना संघर्ष किया था, दिन रात एक किए थे उसने, क्योंकि हम लोग अकेले आते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आते हैं, मुझे वो दर्द मुझे पता था, वो उसको भी पता था वो चीज़ें, तो मेरे सामने आया था, देखा था उसको, और वैसे कर करके तिनका 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 जोड़ के उसने वो एक मुकाम बनाया था, यहाँ पर आया था वो, और उसने आप देख रहे हैं कि सब कुछ बना लिया था उसने, परिवार पूरा हो गया था उसका, एस्टैब्लिश हो गया था, अब तो उसका कुछ करने का टाइम था। अभी 4 दिन पहले मुझे बोला था यार, मुझे वो लौंडे बोलता था कि हम दूसरे को भाभी जी के लौंडे बोला करते, तो हम आपस में ये बोला करते, बोला लौंडे यार, अब घूमने जाऊँगा यार, वाइफ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता यार, लेने जाऊँगा, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ चला गया उसके साथ ही, भगवान उसको खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ। साथ 7:20 सुबह का वक्त था, और मैं अपने यहाँ से मैं यहाँ रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, हम साथ में उतरे, और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया, और मुझे दिख के उसने, वो मेरे पास भागा भागा आया, और मेरे पास भागा भाग के आके बोला, भाई चलो यार टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते। मैं बोला यार तू आज कैसे आ गया, क्योंकि यूजली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था, तो बोला नहीं यार आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है, और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ। तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे, और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में, हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फ्रेटर्निटी से थे, तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे। तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है, मैंने बोला तेरा क्या हो रहा है। अभी सब बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही कि उसने, वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था, मैं उसके पीछे खड़ा था, और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी, उसने पूरी 6 बॉलें डाली जब वो घूमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी, वो टोपी लेने जब मेरे पास आया, तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ, और वो सडनली कोलैप्स होते 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 मेरे पैर पे आके गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, संभाला, और मैंने उसको देखा, तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी, और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं, और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ, या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा, और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हंसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा, मेरे हाथ पर एकदम नम हो गए थे, और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए वो डायल करिए, उतने में मैंने बोला गाड़ी निकालो, और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए, तो हॉस्पिटल में उसको डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर। एंड वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में, बिकॉज एक दोस्त है आपका, और आप एक दोस्त को खो देते हो, लेकिन जब आप उस दोस्त को आप अपने हाथ में खोते हो, तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे, मीडिया वाले फ़ोन करते रहते, पूछते रहते, और बार बार वो चीज़ दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बहुत 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 बड़ा एक दिल में ना होल कर गया मेरे। एक होता है कि आप एक चीज़ को, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उसका बच्चा है मीत, और मैं उसको गोद में, हम जब भी शाम में वो आता था वॉक करता था, या सुबह 12 या 1 बजे जब उसकी शूट लेट होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, तो बच्चे को गार्डन में लेके आता था, तो गोद में मैं उसके बच्चे को लेके हम खेलते थे, हम लोग, मैं यहाँ पे बिठा देता था, चाचू बुलवाता था वो, और मैं कंपोज़र हूँ, तो उसके बच्चे को गाने का बहुत शौक था, वो अभी से आ करता रहता था, तो मुझे बोलता था भाई मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को सिंगर बनाऊँ, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा, सारी चीज़ें अभी बस रह गई है। और बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मीत के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और मैं कर लूँगा तो मेरे दोस्त को मेरी एक प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी, एंड
दीपेश जहाँ भी है बस खुश रहे, एंड ये लॉस हम बहुत टाइम लगे आपको कोप होने में। एंड मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप जो लोग कुछ लोग हैं जो रॉन्ग रूमर्स फैला रहे कि वो जिम कर रहा था, वो बाजू की बिल्डिंग के बच्चों के साथ जाके खेल रहा है, ये सब ना करिए, क्योंकि वो आपको जब पता नहीं तो आप प्लीज़ ये ना बोलिए। ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नॉलेज थी कि उसको अपनी बॉडी को कितना एग्जर्ट करना है। वो सुबह उठा, उसने आके चुपचाप आके वो अपना खेलने आ रहा था हमारे साथ, कोई उसने जिम नहीं करी, कोई उसने वो पड़ोस की बिल्डिंगों में जाके उसने कोई उछल कूद नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रा सेंसिटिव रहिए और ये सब चीज़ों का, ऐसा गलत चीज़ों को नहीं फैलाइए। थैंक यू। नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अंडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते काश, क्योंकि अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है, बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। ऐसी जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना, एंड जस जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। That's it. I'm so sorry.